गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट सिविक्स, चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यू नो दैट इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर जस्ट लाइक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्पीक, डिफरेंट थॉट। सो every person is different, and in this chapter we will try and explore how such experience are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. So we will start this chapter today, diversity and discrimination। पढ़ते डिफरेंस एंड प्रिजुडिस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस, जो हमारा जो भेदभाव है, उसमें कैसा डिफरेंट है, जैसे कि हम डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्पीक, ऐसे डिफरेंट थॉट होते हैं, तो ये हमारा डिफरेंस है जो, वही हमारा डिस्क्रिमिनेशन बनता है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, आइए देखते हैं आज। There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, wear, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत बहुत ऐसे है, जैसे कि हम कैसे जीते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसी हमारा वॉइस है, कैसा हम खाना कैसा खाते हैं, हम कैसा हमारे क्लोथ कैसे है, हम कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं, और हम किस चीज़ में ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा जो प्लेस है, जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, वो कैसा है, वो जियोग्राफी है या फिर हिस्ट्री, कौन सा प्लेस है, वो सब हमारी जो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है उस पर डिपेंड है। नेक्स्ट, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है उसमें कैसे डाइवर्स है, जो हमारे जो आइडिया है वो इंडिया में कैसे डाइवर्स होते हैं। तो आज हम ये इस चैप्टर में हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे फॉलोइंग स्टेटमेंट होते हैं, आज हम ये देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, देर आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कितने जो रिलीजियन है वो 8 है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 8। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और जो लोग हैं वो वन फॉलो कर, जैसे कि हिंदू, तो हिंदू में जैसा भी आता है वो अपने आप में फॉलो करता है, जिसका जो रिलीजन आता है वो उसमें फॉलो करता है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1600 लैंग्वेज है हमारे जो इंडिया है वहाँ पे, और वो अलग अलग पीपल है जो वो अपने मदर टंग में वो यूज़ करते हैं, मदर टंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो रिलीजन जिसे अपनाता है वो उसमें बोलता है। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और 100 डांस फॉर्म है, डांस के कितने प्रकार है, तो 100। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया कि 8 मेजर रिलीजन है, 1600 लैंग्वेजेस है, और 100 डांस फॉर्म्स है। ओके, एट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो हम ऐसे ही हर रोज सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल वो लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस, जैसे कि हमारे जैसे है वो हमें उसे
हम उसे सेफ और सिक्योर ऐसे फील करते हैं. नेक्स्ट, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन attitudes and opinions about others who are not like them. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो हमसे बहुत डिफरेंट हैं और उसे हम कभी कभी मिलते हैं और हम उसमें देखें तो उसमें बहुत सारा स्ट्रेंज और अनफेमिलियर हमें लगता है और कई बार ऐसा होता है कि उनका जो डिफरेंट जो हमसे है वो हम समझ नहीं पाते कि वो कैसे है क्योंकि उनका रहने का तरीका, उनका एटीट्यूड्स, उनका ओपिनियन सब डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसे हमारे जैसे समझ में थोड़ा दिक्कत होती है. अदर हु आर नॉट लाइक देम, क्योंकि ऐसा होता फील होता है कि जो अदर पीपल है वो हमारे जैसे नहीं है क्योंकि डाइवर्सिटी इज डिस्क्रिमिनेशन. बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं जो सोसाइटी में वो अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं और उनसे हमारी सोसाइटी बनती है. नेक्स्ट,